दिल्ली NCR में हुई बारिश की वजह से ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। इसके साथ साथ कपकपी भी छूट रही है। गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश भी हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि 9 जनवरी तक दिल्ली में मौसम ऐसा ही रहने वाला है और बारिश भी होती रहेगी। इस बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से प्रदूषण के स्तर में भी सुधार हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा 11.7 डिग्री और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए। वहीं शुक्रवार यानी आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर नोएडा की, तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां नोएडा में आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश की संभावना है। जबकि गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुरुग्राम में भी बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश की भी अनुमान है। दूसरी तरफ दिल्ली NCR में हुई बारिश की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी ये खराब श्रेणी में ही है, जो पहले बहुत खराब स्तर पर था। शनिवार को तेज हवाएं और बारिश के कारण AQI में सुधार होने की उम्मीद है। सफर के मुताबिक दिल्ली का AQI आज खराब श्रेणी में है और 258 है। वहीं नोएडा में AQI 211 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुरुग्राम में AQI 202 है। सफर के मुताबिक 9 जनवरी के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी के कारण हवा की गुणवत्ता खराब रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।